रंग घुमा सब देखा पर कोई मिला ना ऐसा। ये धरती ये अंबर कहता है हर रास्ता सब प्यार है यहाँ सब प्यार है। ओ जंगल सहरा पर्वत दरिया हंसते गाते चेहरे खुशहाली है हरियाली है गुनगुनाते चेहरे। तो फिर चल 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 चलते हैं हर प्यार की वादी तकते हैं खुशबू खुशबू को चखते हैं हर दिल बोले पाकिस्तान हर जा बोले पाकिस्तान। ਪੰਜ ਦਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਣ ਸ਼ਬਾਬ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਲੈਂਡ ਆਫ ਫਾਈਵ ਰਿਵਰਸ ਜਿਸਕੋ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੈਸਟ ਅਪਰਾਈਟ ਫੀਲਿੰਗ ਆਤੀ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਜੀਤੇ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਕਰਤੇ ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਜੁੜਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਹਰ ਤਰਫ ਹਰਿਆਲੀ ਕਹੀਂ ਮੇਲੇ ਲਗਤੇ ਹੈ ਤੋ ਕਹੀਂ ਪੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਯਹਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰੋ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਤੋ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨ ਮੇ ਵੀ ਆਪਕੋ ਵੋ ਕਲਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਿਸਕੋ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਹਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਰਿਵਾਇਤ ਕਹਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸੇ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਕ ਕੇ ਇੱਕ ਗਾਓ ਮੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਓ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਖੋੜ। ਔਰ ਖੋੜ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਟੱਚ ਹੈ ਤੋ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਬ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫੀਲਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ। ਐਨਾ ਕੀ ਆਂਖ ਸੇ ਵੀ ਦੇਖੂੰਗਾ ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਕੀ ਆਂਖ ਸੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਮੀ ਔਰ ਹਲਦੇ ਬੋਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੋੜ ਮੇ। पंजाब में जगह जगह मेले सजते हैं लोग मेलों से जुड़ते हैं ट्रेडिशनल गेम्स खेली जाती हैं और पंजाब के लोग अपनी खुशी का इजहार अपने मोमेंटम का इजहार इन मेलों के साथ करते हैं और पूरे साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में ये मेले चलते रहते हैं। और मैं आया हूँ आज फतेह जंग से थोड़ा आगे खोड़ और खोड़ में चला है मेला और वो मेला है बैल रेस का। और होता यूँ है कि दो बैल की जोड़ी जो है उस रेस में हिस्सा लेती है और एक मास्टर होता है कंट्रोलर जिसको कंट्रोल करता है और एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक रेस होती है और तकरीबन ये डिस्टेंस तकरीबन
900 फीट का होता है और इस 900 फीट के डिस्टेंस को कवर करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। बहुत से बैल बीच में नॉकआउट हो जाते हैं बिकॉज ये खतरनाक खेल है, कंट्रोल बड़ा मुश्किल है। तो जो नॉकआउट हो जाते हैं देखने वालों के लिए बड़ा खतरनाक होता है। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर वॉचिंग दिस बैल रेस, क्योंकि जब बैल निकलता है वो किसी को नहीं देखता, आपने अपने आपको खुद बचाना है। वैसे तो बैल का इस्तेमाल बहुत कम ही हो चुका है लेकिन फिर भी लोग शौक के लिए पालते हैं और फिर ऐसे जब मेले सजते हैं तो लेफ्ट राइट से दूर दराज से लोग आते हैं, मेलों का हिस्सा बनते हैं। यहाँ जो मेला किया जा रहा है सिर्फ इस इलाके के लोग नहीं है बल्कि दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं। खेल है, थोड़ा बचाव भी जरूरी है लेकिन पंजाब का ये खेल है क्योंकि पंजाब की यही तो खूबसूरती है। तो सभी रूल एंड रेगुलेशन से आज़ाद ये खेल मुनक्कद किया जाता है, लोगों की तवज्जो का मरकज है। कुछ लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बट एक मेला सज जाता है। मलिक जावेद साहब यहाँ के लोकल रहायशी हैं, मलिक साहब क्या प्रोसेस है इस पूरे खेल को सजाने का? इसका तरीका जो है कुछ इस तरह है कि इलाके के ज़मींदार इकट्ठे होकर एक जगह का तयन करते हैं, उस जगह की फिर तैयारी होती है जिसको हम यहाँ लोकल लैंग्वेज में लीक बोलते हैं, जो पिच होती है उसकी तैयारी ऑलमोस्ट 1 वीक लग जाता है। फिर इनके जो है जमींदारों के आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ इनके जोड़ बनाए जाते हैं, बैल जोड़ उसको बोलते हैं। और बैल जोड़ जो है वो मोस्टली अपने लेवल के होते हैं, एज के हिसाब से भी और रेस के हिसाब से भी। और इनकी रेपो बड़ी काउंट होती है, यहाँ पे लोग कहते हैं जिसकी अच्छी रेपो हो मैंने बैल उसी के साथ दौड़ाना है। फिर जो जिसके कमांड में जो इनको मेन कंट्रोलर होता है उसको जो है वो यहाँ की लैंग्वेज में कराई बोलते हैं। तो कराई की जो है ना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। साल में कितनी दफा ये ऑर्गेनाइज किया जाए? साल में मोस्टली जो है ये फसल रबी और खरीफ की जो एक्टिविटी ख़त्म होती है ना जी, जिमीदार की ये जो मोस्ट मसरूफियात होती हैं इनसे जब आज़ाद वो हो जाते हैं तो वो ये कंडक्ट करते हैं। कहते हैं कि साइंस जो है वो फिजिकली आई विटनेस करता है बहुत सी चीज़ों को और फिर उसके बाद एक मैकेनिज्म को जन्म देता है। और कहीं ये कह भी सकते हैं कि पंजाब एक इंस्पिरेशन रहा है और ये जो मेरे सामने कुछ हो रहा है ये किसी साइंस की इजाद से कम नहीं है। वेल, बड़े अरसे से पंजाब में लोग जो है एक खूह का इस्तेमाल करते हैं और जहाँ पानी सरफेस के करीब हो तो फिर हाथों से नहीं निकालते, फिर उसके लिए एक ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है जिसको खूह कहा जाता है। एक बेल्ट बनाया जाता है, उसके ऊपर गड़वे बांधे जाते हैं और पानी उसके थ्रू रोटेट होता है एंड
फिर एक ट्रे के अंदर पानी गिरता है और फिर यहाँ से आगे फसलों को सप्लाई होता है। इसका क्रेडिट जो है बैल को जाता है, क्योंकि बैल जो है वो जब चलता है तो एक पूरा मैकेनिज्म उसके साथ मूव करता है। और ये कुआं आज भी आपको नज़र आएगा, दो साइंस की डेवलपमेंट के साथ आपको मोटर नज़र आएंगे, लेकिन ये बैल की अपनी खूबसूरती है, एक साउंड बाइट भी आपको जनरेट होते नज़र आता है। आई कांट मिस दैट। Guess what? Mr. Singh मौजूद है खोड़ेमदाल में और ये इलाका मूंगफली के लिए मशहूर है। सो पीनट खाया भी जाता है और गिफ्ट भी किया जाता है। ओके, इस इलाके की जो मूंगफली है वो बहुत मशहूर है, बहुत मीठी है और दूर दूर से लोग चल के आते हैं यहाँ से मूंगफली ख़रीदने के लिए, और कुछ यहाँ से सप्लाई भी होता है पूरे शहरों के लिए, क्योंकि ये इंटर प्रोविंशियल रूट है। तो पंजाब हो, कराची हो, पेशावर हो, हर जगह यहाँ से मूंगफली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक मंडी में और मेरे साथ मंडी के ऑनर मौजूद हैं। थोड़ा पूछते हैं कि ये मूंगफली कितना टाइम में उगती है, क्या प्रोसेस है और कितनी मेहनत दरकार है इसके लिए। बड़ी मीठी मूंगफली है और एक आदमी चेक भी कर लेता हूँ खाने के लिए। जी क्या हाल चाल है अंकल जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह पाक का। पहले तो ये बताइए कि मूंगफली का मौसम क्या होता है, किस मौसम में ये उगाया जाता है? ये तकरीबन मार्च अप्रैल में इसकी काश्त होती है। अच्छा, और कितना टाइम लगता है? तकरीबन 4.5 माह इसको लग जाते हैं। और फिर कितने टाइम में ये खेत से निकाला जाता है? ये तकरीबन 1 माह 1.5 माह इसमें वो निकालते रहते हैं लोग। अच्छा, आप यहाँ पे रॉ लेते हैं, मतलब कच्चा लेते हैं या फिर यहाँ पका के बेचते हैं? जी कच्चा लेते हैं हम लोग। कितना इलाका है जिसपे ये मूंगफली उगाई जाती है आपके इर्द? कितना इलाका है इधर? इलाका तकरीबन मिला के ये दो तहसील है, तहसील फतेहजंग और तहसील पिंडी गया के सेंटर में हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये दोनों तहसीलें की मूँगफली जो है वहाँ बिकने के लिए आती है। एवरेज क्या रेट है, एक एक किलो मूँगफली कितने की बिकती है रॉ मटेरियल? ये चूँकि इसकी मुख्तलिफ क्वालिटी है, ये तकरीबन 110-120 से लेकर तकरीबन 200 रुपए तक एक किलो जाता है। जा क्या बात है, कितनी डिमांड है आपकी इस इलाके की मूँगफली की पूरे पाकिस्तान में? डिमांड की इसकी तो बोलें तो पूरे पाकिस्तान में डिमांड तो इसकी बहुत है। अच्छा चले, थैंक यू वेरी मच। और ये जो इलाका है मूँगफली के लिए बड़ा मशहूर है, तो मूँगफली खानी चाहिए, वैसे भी ड्राई फ्रूट जो है बहुत अच्छा होता है।
ਓਏ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਟੌਰ ਵੱਖਰੀ, ਟੌਰ ਸਜਦੀ ਹੈ ਘੋੜੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਲੋਕ ਘੋੜਾ ਪਾਲਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਘੋੜਾ ਪਾਲਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਹੀਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੋ ਕਹੀਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ, ਅਬ ਯੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਘੋੜੇ ਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਫੁਰਤੀਲਾਪਨ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਤੇ ਕਿ ਹੂ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਲੀ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਪੀਪਲ, ਦੇ ਹੈਵ ਕਮਾਂਡ, ਔਰ ਯੇ ਸ਼ੋ ਕਰਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਲੋ ਮੇ ਘੋੜੇ ਕੀ ਮਦਦ ਸੇ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਕੋ ਕੁਛ ਘੋੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਯੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੀ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਤੇ ਹੈ ਤੋ ਯੂਨੀਕ ਪਾਲਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਯੇ ਸਾਥ ਜੋ ਡੰਡਾ ਲਗਾ ਇਸਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਨੇਜ਼ਾ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾ ਖੇਲ ਵੀ ਸਜਤਾ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਸਜਤੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਯੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਢੂੰਡਤੇ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਕਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਅਬ ਹਾਥ ਮੇਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨੇਜ਼ਾ, ਔਰ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਦੌੜਤਾ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿੱਟ ਸੇ ਕਿਸ ਪਾਵਰ ਸੇ ਉਸਕੋ ਹਿੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਖੇਲ ਆਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਆਪਕੋ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੀ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਖੋੜ ਆਇਲ ਫੀਲਡ, ਔਰ ਯੇ 2.5-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਸੇ 1914 ਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਤਜਰਬਾ ਹੁਆ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲਾ, ਗੈਸ ਵਾਟ, ਏਸ਼ੀਆ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇਲ ਕਾ ਖੂਹਾਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਥਾ, ਔਰ ਇਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 247 ਕੂਏ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੇਲ ਕਿਸੀ ਵਕਤ ਮੇਂ ਦੇਤੇ ਰਹੇ, ਅਬ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਏ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਕੇ ਸਾਥ, ਨਏ ਐਫਰਟ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿ ਯਹਾਂ ਸੇ ਤੇਲ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਵਾਈ ਨਾਟ, ਐਨਰਜੀ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਹੀ ਤੋ ਆਇਲ, ਸੋ 1914 ਸੇ ਲੈ ਕੇ 1970 ਤੱਕ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਰਹਾ, ਮੁਲਕ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਤੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਔਰ ਯੂਨੀਕ ਬਾਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਕੀ ਕਿ ਯਹਾਂ ਕੇ ਲੋਕ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੀ ਲਈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਸੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇਲ ਕਾ ਕੂਆਂ ਨਿਕਲਾ, ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਅਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਜਹਾਂ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕੇ ਲੋਕ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ। ਮਿੱਠੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਜਾਏ ਔਰ ਹਲਵਾ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕੀ ਜਾਏ ਤੋ ਬਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਤ, ਔਰ ਫਿਰ ਗਾਜਰ ਕਾ ਹਲਵਾ, ਔਫਕੋਰਸ ਇਸਕੋ ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਲੋਕ ਅੱਛਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਇਨਗ੍ਰੀਡੀਅੰਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋਂਗੇ, ਤੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਤਾ ਹੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਲਵਾ ਮੇਂ ਕਿਆ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਆਪ? ਜੀ ਯੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਜਰ ਹਮ ਦੂਧ ਮੇਂ ਬੋਇਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੂਧ ਮੇਂ ਗਾਜਰ ਬੋਇਲ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸਕੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦੇਸੀ ਘੀ ਔਰ ਖਾਲਿਸ ਖੋਇਆ ਇਸਮੇਂ ਮਿਕਸ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਯੇ ਏਕ ਦੇਖ ਜੋ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਯੇ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲੇਤਾ ਹੈ ਬਣਨੇ ਮੇਂ? ਜੀ ਯੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਹਲਵਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਮੇਂ 3-3.5 ਘੰਟੇ ਲਗਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ,
एवरेज रेट क्या है, मतलब एक आधा किलो जो हलवा होती है क्या चार्ज करते हैं जी? 340 रुपए फी किलो है। अच्छा, और आधा किलो 170 रुपए। क्या बात है, मैं ज़रा टेस्ट करूँगा हलवा को, क्योंकि इस हलवा को मिस करने वाला पॉइंट मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो लेट मी ट्राई। जी जी। एंड ऑफ कोर्स गाजर का हलवा मीठा माय फेवरेट। इतना नहीं, बस थोड़ा। हाँ जी, ये ज़रा खिलाएँ, ज़रा चेक करते हैं टेस्ट, बिकॉज डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट फ्लेवर मिलते हैं, डिफरेंट आपको अलग टेस्ट आएगा। तो पंजाब में ज़रा लोग हलवा के साथ ज़्यादा ही मेहनत करते, ज़्यादा ही प्यार है। Awesome. बहुत मज़ेदार है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको गरम गरम सर्व किया जाता है, सो इससे बड़ी सौगात हो नहीं सकती। कोड आए तो ज़रूर एक स्टॉप और लीजिएगा, हलवा ज़रूर खाइएगा, चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, यू नो यू कांट मिस दैट। जो डिफरेंट बात है बाकी टेस्ट से, ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऑयली टच और देसी घी का टच है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, ज़्यादा फील हो रहा है, बट टेस्ट इज बरकरार। थैंक यू। एक्चुअली द रियल रिफ्लेक्शन ऑफ पंजाब के, जहाँ पे लोग खुशी के मौके पे, शादियों पे या फिर किसी मेहमान को वेलकम करने पे, जैसे मुझे वेलकम किया गया, हरदल बोले पाकिस्तान की टीम को वेलकम किया गया, ढोल की थाप पे रक्स होता है और बड़े खुशी से आपको रिसीव किया जाता है, और अपनी खुशी का इजहार भंगड़े से और म्यूज़िक से किया जाता है। भंगड़ा, गिद्दा, झूमर, ये सारे टाइप है पंजाबी म्यूज़िक के, पंजाबी भंगड़ा के। और जैसे जैसे रीजन बदलता है लोगों का म्यूज़िक का मिजाज थोड़ा बदलता है, लेकिन डांस का एलिमेंट जो भंगड़ा है वो कहीं माइनस नहीं होता, कहीं झूमर की शक्ल में नज़र आता है तो कहीं गिद्दा होता है, कहीं लुड्डी पाई जाती है। और एक्चुअली यही तो पंजाबियों का तरीका है खुशी का इजहार करने का, फसलों की कटाई हो, किसी मेहमान की आमद हो या फिर बदलते हुए ऋतु को वेलकम करना हो, तो म्यूज़िक और ढोल की थाप पे ये आपको जगह जगह नज़र आएगा। दिस इज़ द रियल शेड ऑफ पंजाब। सो हर दल बोले पाकिस्तान हर उस जगह पहुंचेगा जहां कल्चर होगा, म्यूज़िक होगा, लोगों की खुशियां सेलिब्रेट की जाएगी। और आज हम आए थे खोड़, खोड़ में हमने सौगात भी इंजॉय की, लोगों से बात भी की, मिले भी, यहां का भंगड़ा भी देखा, म्यूज़िक को भी इंजॉय किया। आगे बढ़ने का वक्त है और एपिसोड को क्लोज करने का वक्त भी, बट लेट मी ट्राई कि मेरा स्लोगन यहाँ कितना फेमस है और लोग कितने से जुड़ते हैं। हर दल बोले पाकिस्तान, हर दल बोले पाकिस्तान।